अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरा ऑटोकैड का सेकंड लेक्चर है। स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले लेक्चर वाला है, उसमें हमने ईस्टिंग नॉर्थिंग से जो फील्ड में काम करके हम ये लाइनें लगाते हैं वो तरीका बताया था। आज मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, बिल्कुल इजी सा मेथड है। कभी आपको फील्ड में वो एंगल दे देते हैं और लेंथ दे देते हैं, तो उसके ज़रिए आपने स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह बनाना है वो तरीका आपको समझाऊँगा। सेम वही स्ट्रक्चर है, वही हमने बनाना है और फार्मूला हमने यूज़ करना है एट द रेट लेंथ लेंथ लेस देन एंगल। ठीक है, सिर्फ यही फार्मूला आपने जहन में रखना है। जब भी लंबाई लगानी है, ये 15 लगानी है, तो इसके पीछे एट द रेट लिखना है और शिफ्ट दबा के लेस देन का बटन दबा के उसके बाद एंगल, जो जो एंगल आप डालते जाएंगे उस तरह जो है आपकी लाइन लगती जाएगी। तो इसमें आपने आपको जो मेन चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब हम सर्वे का काम करते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे अभी ध्यान रखिए, इतने एरिया पे सर्वे का काम करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता है। इस तरह यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होता है, फिर क्लॉकवाइज घूमते यहाँ पे 90 डिग्री, फिर उसमें 90 प्लस करें तो 180, 270 और 360। अब कंप्यूटर में जो है आपका थोड़ा सा ऑटोकैड में उसके मुख्तलिफ है। ऑटोकैड में आपने याद रखना है, कभी भी आपने एंगल के ज़रिए कोई भी लेंथ लगानी है तो आपका 0 डिग्री यहाँ पे होगा और नॉर्थ इधर में होगा, यानी आपके लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना, 0 इधर जाएगा, उसके बाद 90 ऊपर जाएगा। ये फ़र्ज करें आपके लैपटॉप की स्क्रीन है ये वाली, ये इतनी सी, तो इधर 0 होगा, इधर 90, इधर 180, 270 और यहाँ पे फिर 360। सिर्फ आपने ये याद रखना है। तो अगर आपको, फिर मैं रिपीट कर दूँ, कोई एंगल के ज़रिए लेंथ दे के कहता है कि आप ये स्ट्रक्चर बनाएं, तो आप इस तरीके से इजी से तरीके से बना सकते हैं। तो मैं बताता चलूँ आपको, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक चीज़ लाजम याद रखनी है, एल एंटर करके आपने 0,0 एंटर करना है ताकि आपका 0,0 से ही लाइन स्टार्ट हो। ये क्यों करना है, ताकि वो पेज का जिधर 0 है ना, जो पेज आपने लैपटॉप के ऊपर सेट किया है, वो आपका 0 से स्टार्ट हो। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्ज करें ये वाला पॉइंट लगाना है, तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, शिफ्ट एट द रेट, ये 2 का बटन जो है आप दबाते हैं तो ऐट द रेट आ जाता है, फिर 15, फिर लेस देन है 0 एंगल। यहाँ पे अगर मैं वो डायग्राम बना दूँ इस जगह पे, ये यहाँ पे नॉर्थ, ये यहाँ पे साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये 0, 90, 180, 270, तो इसकी तरफ जो है वो 0 का एंगल है, तो मेरा ये पॉइंट लग जाएगा। अब हमने ऊपर की तरफ जाना है, तो इधर मैं वो डायग्राम बना दूँ यहाँ पे, ये देखें, ये मेरा 0, उसके बाद ये नॉर्थ वाला, ये नॉर्थ, फिर इधर साउथ, ये हो गया 180, ये हो गया 90 और फिर ये हो गया, ये सिर्फ आपको जस्ट समझाने के लिए 270 और यहाँ पे फिर 360। तो ऊपर की तरफ अगर हमने जाना है तो ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, शिफ्ट एट द रेट, उसके बाद यानी लेंथ जिधर भी आपने लिखनी है उसके पीछे एट द रेट लिखना है और लेस देन है वो वाला एंगल, 90 एंगल लिखा, देखें ऊपर की तरफ कौन सा एंगल जा रहा है, तो आपका ये पॉइंट लग जाएगा। इसके बाद सेम इसी तरीके से फार्मूले से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये, तो ये देखें, ये 0, यहाँ पे 180, तो इधर फिर फार्मूला क्या आएगा, शिफ्ट एट द रेट 5, लेस देन है इधर में 180, तो ये वाला पॉइंट लग जाएगा। फिर इधर हम डायग्राम बनाएंगे, ये पॉइंट लग जाएगा, फिर इधर। सिर्फ आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, इधर 0, इधर 90, 180, 270। तो ये मैं चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह जो है आपने ये एंगल और लेंथ के ज़रिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो है बनाना है। अगर आपको किसी जगह ऐसे बनाना पड़ जाए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा जी, ये मैं सेकंड लेक्चर में वही स्ट्रक्चर जो है आज लेंथ और एंगल से बनाना जो है आपको बताऊंगा। ना इसमें मैं पैमाइश लिखूंगा और ना कुछ ईस्टिंग नॉर्थिंग लिखूंगा, ये मैं तीसरा मेथड सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। तो आपने एल एंटर करके ये स्टार्ट जो है ये 0,0 से ही
आपने करना है। तो मैंने 0,0 दबाया और एंटर किया, तो ये देखें मेरा 0,0 से लाइन लग गई। अब मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको कैसे समझाया है, इस साइड में जिस साइड में मैंने 15 मीटर लंबी लाइन लगानी है, मेरा जीरो एंगल है जो मैंने आपको बताया 0,90। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि आपने फार्मूला क्या लगाना है, हर लेंथ से पहले शिफ्ट एट द रेट। तो आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और कीबोर्ड के ऊपर जो 2 का बटन है ना, 2 का बटन दबाएंगे यानी 1, 2, 3 जो गिनती लिखी हुई है तो वो एट द रेट ही हो जाएगा। उसके बाद लेंथ मेरी कितनी है 15 मीटर, फिर उसके बाद लेस देन ये जो उल्टा वी है, वी ये आपने कैसे करना है, शिफ्ट ये भी माउस के ऊपर जो है, सॉरी कीबोर्ड के ऊपर जो है ये है शिफ्ट, और ये वाला बटन उल्टा वी दबाएंगे तो ऐसे हो जाएगा लेस देन, और इस तरफ एंगल कितना है 0। जैसे ही मैंने दबाया तो ये देखें मेरी लाइन 15 मीटर लंबी लग गई। मैंने सिर्फ एंगल और लेंथ देते जाना है और लाइनें खुद बहुत एंगल से लगती जाएंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर का काम करते वक्त बाहर के कंट्री में बाद का आपको 67 के एंगल पे लाइन लगानी पड़ जाए किसी भी एंगल पे, तो आप आसानी से जितनी भी लेंथ दी गई हो, एंगल दिया गया हो, आप अपना काम आसानी से कर सकें। तो ऊपर की तरफ जो है मैंने क्या बताया था, 90 का एंगल है और लेंथ कितनी है 9, और हर लेंथ से पहले शिफ्ट एट द रेट 9 मीटर, फिर लेस देन, उसके बाद है आपने वो एंगल ऊपर की तरफ कौन सा बन रहा है 90। तो जैसे ही मैंने दिया तो ये देखें ये लाइन लगी। अब मैं बेशक माउस को किसी भी तरफ कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक मैं वो एंगल और लेंथ देता जाऊंगा और लाइन लगती जाएगी। अभी इस साइड में मैं जिस साइड में जाना है और माउस को मैंने उल्टी साइड में रख दिया, तो बस मैं उसको वो डायरेक्शन दूंगा, फिर शिफ्ट एट द रेट ये मैंने दबाया, इस साइड में 5 मीटर है और लेस देन है शिफ्ट, फिर उल्टा वी, 2-3 दफा मैं रिपीट करूंगा, शिफ्ट उल्टा वी दबा के लेस देन का साइन आ जाएगा, और फिर इस साइड में है 180 डिग्री, और आपने जैसे ही एंटर किया तो देखें ये लाइन ऑटोमेटिक ही लग गई है, हालांकि मैंने उस तरफ माउस नहीं था किया। अभी मैं माउस ऊपर की तरफ रखा है और लेकिन लाइन मैं नीचे की तरफ दूंगा और ये लाइन लग जाएगी। तो फिर मैं कहता हूँ शिफ्ट एट द रेट नीचे की तरफ कितना था 3 मीटर, और फिर ये लेस देन शिफ्ट लेस देन, उसके बाद है नीचे की तरफ एंगल है 270 डिग्री, ये देखें ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है फार्मूला, शिफ्ट एट द रेट 3 लेस देन है 270। तो ये देखें जी ये मेरी लाइन यहाँ पे लग गई। उसके बाद इस साइड में है 180 डिग्री, शिफ्ट एट द रेट लेंथ कितनी है जी 5 मीटर, लेस देन है एंगल 180। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये लाइन लग गई, फिर मैंने नीचे की तरफ आना है, फिर शिफ्ट एट द रेट सेम एक ही फार्मूला लगाना 3, फिर लेस देन है 270 डिग्री, नीचे की तरफ 270 है, तो सॉरी ये मैं यहाँ से मैं फिर क्या करूंगा, शिफ्ट एट द रेट नीचे की तरफ 3 मीटर है, उसके बाद लेस देन है कितना नीचे की तरफ 270 डिग्री, 270 लिख के मैंने एंटर किया तो ये लग गया। उसके बाद फिर शिफ्ट एट द रेट इस साइड में है 180 डिग्री, सॉरी पहले लेंथ हम लिखेंगे 5, फिर लेस देन, फिर एंगल, और फिर एंटर। आप 2-3 दफा ट्राई करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। लास्ट में आप जो है बेशक सी एंटर कर दें ताकि उस कमांड का क्लोज कमांड का भी आपका ट्राई हो जाए। सी एंटर किया तो ये वो स्ट्रक्चर बन गया। फिर मैंने क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में, तो आपने पमेसी जो है DLI एंटर करके लेनी है ताकि डबल एंटर करें। उसके बाद ये देखें जी मेरा वो ही सेम स्ट्रक्चर जो है ये बन गया है, ये देखें जी ये सेम स्ट्रक्चर जो है मेरा ये बन गया। और आज मैंने यूज किया जस्ट जो है ये पमाइश और एंगल का मेथड, एंगल से मैंने ये काम किया है। तो ये देखें मेरा स्ट्रक्चर बन गया है। यही मेरा आज का सेकंड लेक्चर था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।